कुमार। आज का ये वीडियो हायर अप्लायंसेस इंडिया के रिजल्ट्स आने थे, जो कैंपस इंटरव्यू आपने दिए थे एमपी पॉलिटेक्निक पे, आज उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। रिजल्ट्स मेरे पास सुबह ही आ गया था, एक्चुअली कल रात देर में आया था, लेकिन कुछ उसमें कमियां थी, उसके जितने भी क्वेरीज हैं मैंने दूर करके फिर ये प्रीमियर में लेकर के आया हूँ आप सबके सामने। आप सबका इसमें एक बार फिर से स्वागत है। कंपनी ने जितने इंटरव्यू लिए उसमें से 3 डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने सिलेक्शन लिए हैं, और आप में से जिनको जगह मिल गई हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मिला है डिसहर्टेन नहीं होंगे, ये कंपनी की पहली सोची है। कंपनी ने कहा है कि वो आगे भी कुछ और लिस्ट लेकर के आएंगी, और जैसे ही आएगा फिर वही बात, परेशान नहीं होंगे आप, जैसे ही आएगा मैं आपके लिए यहाँ बैठा हूँ, तुरंत आपको बताऊँगा कि एक नई लिस्ट आ गई है और उसको मैं आपको तुरंत एयर करूँगा। तो हम लोग बात करते हैं कि वो 3 कैटेगरीज जिसमें 3 डिपार्टमेंट जिसमें कंपनी ने सिलेक्शन लिया है। पहला है एसी बनाने वाले सेगमेंट डिपार्टमेंट के लिए, फिर वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, 3 सेगमेंट्स के उन्होंने लिया है। टोटल अभी जो ये लिस्ट आई है ये 22 लड़कों की आई है, 22 बच्चों का हुआ है। उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग गवर्नमेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड, हर जगहों से लोग हुए हैं। ध्यान से नाम सुनिएगा, ये नाम आपके सामने डिस्प्ले पे भी आएंगे, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और ये नाम आप ध्यान से सुनिएगा भी। सबसे पहले मैं एसी के लिए बता दूं, एयर कंडीशनर सेक्शन के लिए उन्होंने 6 लोगों को चुना है। एयर कंडीशनर के लिए उन्होंने 6 लोगों को चुना है, वो 6 लोग हैं विकास भार्गव, सन ऑफ श्री संजय भार्गव, ये एमपी पॉलिटेक्निक के हैं, राहुल गुप्ता, सन ऑफ श्री प्रदुम्न गुप्ता, ये भी एमपी पॉलिटेक्निक के हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, अभिजीत सिंह, सन ऑफ श्री ओम प्रकाश सिंह, ये भी एमपी पॉलिटेक्निक के हैं, सुधाकर चौरसिया, सन ऑफ श्री सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया, ये भी एमपी पॉलिटेक्निक के हैं, और देवानंद यादव, सन ऑफ श्री सत्यदेव यादव, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजैना हाटा के हैं। और जो एयर कंडीशनर में एक जिस और लड़के का चयन हुआ है वो है आशुतोष, सन ऑफ श्री राम जतन, ये इंडस पॉलिटेक्निक, इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये बिल्लौर कानपुर का है, वहाँ के थे और इनका चयन हुआ है। तो आप सबको बधाइयाँ, फिर से मैं नाम दोहराऊँगा, विकास भार्गव, राहुल गुप्ता, अभिजीत सिंह, सुधाकर चौरसिया, देवानंद यादव और आशुतोष। ध्यान रखिएगा, राहुल गुप्ता जो हैं, 2 लड़के राहुल गुप्ता नाम से थे, और ये जिनका चयन हुआ है उनके पिताजी का नाम श्री प्रदुम्न गुप्ता है। तो एयर कंडीशनर डिपार्टमेंट में आप 6 लोगों का हुआ है, आप सबको ढेर सारी बधाई। हम लोग अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, वॉशिंग मशीन सेक्शन के लिए इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लड़कों का चयन किया है। वॉशिंग मशीन सेक्शन के लिए जिन 8 लड़कों का चयन हुआ है वो हैं, मैं नाम पढ़ता हूँ, अंकुर सिंह यादव, सन ऑफ रंगलाल यादव, ये एमपी पॉलिटेक्निक के हैं, सोनू पाल, सन ऑफ बहवान पाल, ये भी एमपी पॉलिटेक्निक के हैं, शैलेंद्र सिंह, सन ऑफ श्री जय सिंह, ये भी एमपी पॉलिटेक्निक के हैं, दुर्गेश चौरसिया, सन ऑफ श्री रामचंद चौरसिया, ये भी एमपी पॉलिटेक्निक के हैं, राम प्रवेश यादव, राम किशुन यादव इनके पिताजी का नाम है, राम प्रवेश यादव, सन ऑफ श्री राम किशुन, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुरैना महाराजगंज के हैं, अनिल मौर्या, सन ऑफ जगनारायण मौर्या, ये
अनिल कुमार मौर्य, शहनाब श्री जगनारायण, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती के हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती के हैं। वॉशिंग मशीन में और चयन जो हुआ है, राहुल कुमार निषाद, ये LFS के हैं, इनके पिताजी का नाम श्री दीनानाथ निषाद है। चंदन कुमार, ये भी LFS के हैं और इनके पिताजी का नाम श्री रमेश सिंह है। तो जिन 8 लड़कों का चयन हुआ है, मैं एक बार उनका फिर से नाम लेता हूं और उनको ढेर सारी बधाई देता हूं। अंकुर सिंह यादव, सोनू पाल, शैलेंद्र सिंह, दुर्गेश चौरसिया और राम प्रवेश यादव, अनिल कुमार मौर्य, राहुल कुमार निषाद और चंदन कुमार। दो लोग LFS के हैं, दो लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से हैं, एक गवर्नमेंट पॉलिटिक पुराना, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती, और 4 लोग जो हैं इसमें MP पॉलिटेक्निक से हैं। MP पॉलिटेक्निक के लोग ज़्यादा इस लिस्ट में दिख रहे हैं, उसका कारण था कि उन लोगों ने ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी जो शामिल हुए थे वो MP पॉलिटेक्निक के बच्चे ज़्यादा थे, बाहर की पॉलिटेक्निक से बच्चे कम आए हुए थे। अब मैं अंतिम डिपार्टमेंट की बात करता हूँ जो चयन हुआ है, ये है रेफ्रिजरेशन सेक्शन, रेफ्रिजरेटर के लिए, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बच्चों का चयन है। तो AC में 6, वॉशिंग मशीन में 8, रेफ्रिजरेशन में 8। 8 जो है रेफ्रिजरेशन के लिए, पहले हैं क्षितिज निषाद, पिता का नाम शिव सागर, ये MP पॉलिटेक्निक से हैं। दीपक प्रजापति, पिता का नाम अशोक प्रजापति, ये MP पॉलिटेक्निक से हैं। मोनू कुमार गुप्ता, सन ऑफ दयाशंकर गुप्ता, LFS के हैं। प्रिंस कुमार मद्देसिया, सन ऑफ श्री बसंत, ये LFS के हैं। विकास यादव, सन ऑफ शेषनाथ यादव, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भगवान राम की नगरी अयोध्या से हैं। तो ओमकार जायसवाल, सन ऑफ श्री अनिल जायसवाल, ये MP पॉलिटेक्निक के हैं। शैलेश कुमार मिश्रा, सन ऑफ अनिल कुमार मिश्रा, ये MP पॉलिटेक्निक के हैं। ये भी दिलीप शर्मा, सन ऑफ नरेंद्र शर्मा, ये भी MP पॉलिटेक्निक के हैं। फिर इन 8 लोगों को बहुत सी बधाइयाँ मेरी तरफ से, और फिर से मैं इनका नाम दोहराता हूँ। ये हैं क्षितिज, जिनका रेफ्रिजरेटर सेक्शन में हुआ है, क्षितिज निषाद, दीपक प्रजापति, मोनू कुमार गुप्ता, प्रिंस कुमार मद्देसिया, विकास यादव, ओंकार जायसवाल, शैलेश कुमार मिश्रा और दिलीप शर्मा। तो विकास यादव है, ध्यान रखिएगा, विकास नहीं है, कि ASH इनके नाम के स्पेलिंग में है। तो इन 8 लोगों को भी ढेर सारी बधाइयाँ। तो टोटल इन 22 लड़कों का हुआ है। आप अपने नाम ज़रूर एक बार ध्यान से पिताजी के नाम से मिला लीजिएगा, क्योंकि एक ही नाम के कहीं कहीं 2 लड़कों ने दिया है। आप करेंगे क्या, जितने लोगों का चयन हो गया है, कंपनी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग मांग रही है। आप भी जल्दी में थे, कंपनी भी जल्दी में है, और कहे तो ये टॉलरेंसेस देखते हैं, और ये एक तरह से हर जगह चाहते हैं कि आपके लगन और कितना आप उत्सुक हैं उनकी नौकरियों को, उसको चेक किया जाए, और इसी कारण कंपनी ने बहुत जल्दी बुलाया है। ये आपको 27 तारीख की सुबह ये कह रहे हैं कि आप ग्रेटर नोएडा में होने चाहिए। आप 27 देखा जाए तो 27 तारीख हो रही है शनिवार को, 27 नवंबर को ज्वाइनिंग। तो आप पूरे इनके वर्किंग आवर जो है 9 से, आप कोशिश करिए कि 3 बजे तक जा करके वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लीजिए। शनिवार को चले जाइए, संडे को ये ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, संडे को रहेगा बंद प्लाट। तो अगर आप सोमवार को पहुँचते हैं तो भी आपको इंटरटेन किया जाएगा। तो शनिवार और सोमवार, आने वाले शनिवार और सोमवार को, यानी 27 को और 29 नवंबर को ये लोग इंटरटेन करेंगे आपको यहाँ पर, और आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। जो लोग पहले पहुँच जाते हैं, मान लीजिए आप संडे को पहुँच जाते हैं, तो अपने लिए आप मकान देख लीजिएगा, इकट्ठे निकलिए, ग्रुप में आपस में बात कर लीजिए। अगर आपस में एक दूसरे के नंबर नहीं हो तो आप जो है यहाँ पूछ सकते हैं, लोग यहाँ पर जो भी चयन जिनका हुआ है वो डाल दीजिए, आपस में लोग बातचीत करके, और एक ग्रुप सा बना लीजिए, इकट्ठे जाइए, देखिए अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो इकट्ठे निकल भी जाइए आप लोग, वहाँ मकान भी साथ साथ शेयर करके तुरंत देख लीजिए। ठंड का समय है, अपने साथ गर्म कपड़े, अपनी रजाइयाँ वगैरह साथ लेकर के जाइएगा, और
क्योंकि एक टाइम का खाना मील आपको बनाना ही है, तो अपने साथ अपने थोड़े कुछ बर्तन ज़रूर रख लीजिएगा, अपना एटीएम कार्ड, अपना पासबुक, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड यदि बना हो तो ये ज़रूर रखिएगा, स्कूल का आई कार्ड भी साथ साथ रख लीजिएगा जो आपके अंतिम साल में आपको जारी हुआ था। और मैं आपको बताऊं, जाते समय आत्मविश्वास बना के जाइए, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह सब रख लीजिएगा, बेहतर होगा एक बार आप जब वहाँ पर पहुँचें, बहुत ज़्यादा ना कॉल करिए और बहुत लंबी बातचीत ना करिए, तो जो कांटेक्ट पर्सन है मैं बता दूं आपको, आपको वहाँ पर श्री आशीष कुमार से संपर्क करना है, तो हो गया जिनसे आपको वहाँ पर जाके मिलना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लांट का एड्रेस लगा दिया है, वो गूगल मैप पे आप सीधे चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं, तो मैंने गूगल लोकेशन आपको इसके साथ ऐड कर दिया है। पहुंचना कहाँ है आपको ध्यान रखिए, हायर अप्लायंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्लॉट नंबर H06, प्लॉट नंबर H06 इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है ग्रेटर नोएडा की, वहां आपको पहुंचना है, ग्रेटर नोएडा की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्लॉट नंबर H06 पे पहुंचना है। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए होगा आप आशीष सर से पूछ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि अभी से तुरंत आप फ़ोन का तांता ना लगा दें और पहले सारी चीज़ अपनी इकट्ठा कर लें, जाने की व्यवस्था देख लें और सब सामान तैयार कर लें। आप निकलने के कुछ देर पहले जो है आप उनको फ़ोन कर सकते हैं 6-7 घंटे कि सर इतनी तैयारी हो गई हम, और कब पहुँचे, कैसे आपको वहाँ पर वो करें, कॉन्टेक्ट कब करें और कितने बजे वहाँ पहुँचे, ये सब उन्होंने अपने मेल में नहीं बताया है। तो फिर से मैं कहूँगा बी स्मार्ट और कम उनको फ़ोन करिएगा, तो कॉन्टेक्ट पर्सन वहाँ पर आशीष कुमार जी होंगे। आपकी और भी जो कोई क्वेरी होगी वो ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, अभी आप लाइव हैं प्रीमियर पे तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, और जिनको हो गया उनको हम सब की तरफ से बधाइयाँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर की तरफ से बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ है डिसहर्टेन नहीं होंगे, मन छोटा नहीं करेंगे, बहुत अवसर हैं, हो सकता है आपके लिए कुछ और बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा, कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा, लगातार अपडेट लाता रहूँगा। नोटिफिकेशन ज़रूर देखा करिए, नोटिफिकेशन बटन भी दबाए रखिए, कभी भी अपडेट आ सकते हैं, वहाँ पहुँचने पे कुछ खास बात होगी, कंपनी की तरफ से कुछ आएगा तो मैं तुरंत आपको बताऊँगा। छोटे छोटे जो मैं शॉर्ट्स आजकल बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो, वो तुरंत मैं डाल दूँगा ताकि आपको नोटिफाई करता रहूँ। तो एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, और इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।